हेलो गाइस, केम छो, मजा में। मैं हूँ जाला प्रीतेश, आपका स्वागत है टेक्निकल एंड मोटर्स की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूंडई अल्काज़ार की। इसके पेट्रोल वेरिएंट में आपको पावर स्पेक की अगर हम बात करें तो 156 PSI की पावर, और टॉर्क की बात करें तो आपको 191 mm का आपको टॉर्क देखने को मिलेगा। इसके जो आगे की ग्रिल है वो आपको चेंज देखने को मिलेगी जो क्रेटा से, बाकी तो इसकी जो लाइट्स है आपको सेम एज आपको क्रेटा के मुकाबले ही देखने को मिलेगी। और नीचे आपको कॉर्नरिंग लाइट और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पर दिए जाते हैं, ऊपर आपको नहीं दिए जाते, वहाँ पर आपको सिर्फ DRL दिए जाते हैं, ऐसा कुछ का आपको टर्न इंडिकेटर्स नहीं दिए जाते। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो 10 mm इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है और क्रेटा से, और जो कॉम्पिटिशन है वो आपको सेम सफारी, XUV 700 और अल्काज़ार में आपको तीनों आपको 200 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। इसकी साइड स्पेक्स की तो आपको यहाँ पे दोनों के आगे और पीछे आपको दोनों डिस्क ब्रेक दिए जाते हैं, और यहाँ पे आपको टायर साइज की अगर हम बात करें तो R15 inch का आपको एलॉयज देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी अच्छे इसके जो डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, और अपोलो के टायर दिए जाते हैं। तो अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। जो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बूट स्पेस आता है 180 लीटर्स का आपको बूट स्पेस देखने को मिलेगा, जो मतलब टाटा सफारी और XUV में आपको इतना सारा स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इधर आपको बूट लाइट देखने को मिले, और इधर मतलब इस तरफ ही आपको लगेज होल्डर देखने को मिला, इस तरफ आपको SH आपको लगेज होल्डर देखने को मिला, यहाँ पर SH कुछ आपको चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता। और इसके नीचे अगर हम देखें ऐसे आपको थोड़ा सा स्पेस देखने को मिलेगा, और टायर की हम बात करें तो टायर आपको इसके नीचे देखने को मिलेगा, जो टायर साइज है वो सेम आता है, सिर्फ आपको एलॉय नहीं आता, स्टील में भी आता है। सो अब बात करते हैं इसके इंटीरियर्स की। तो इस तरफ आपको रिक्वेस्ट से देखने को मिलेगा, और उस तरफ भी आपको रिक्वेस्ट से देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा फीचर रिच कार है ये। और अभी भी फिलहाल इसका जो थोड़ा सा अपडेट आया है बेस मॉडल में, जो मतलब प्रेस्टीज एक्सक्यूटिव है, उसमें आपको क्या क्या फीचर्स आएंगे और इसमें उससे ज़्यादा क्या आएंगे, मैं आपको वो ब्रीफ करता चलूँगा, जिससे आपको पता चले कि क्या क्या चीज़ें आपको इस वेरिएंट में ज़्यादा अच्छी मिल रही हैं। यहाँ पे आपको देखो पूरा ब्राउनिश कलर में आपको दिख रहा होगा, जो इंटीरियर है ब्लैक एंड ब्राउन कलर का आपको इंटीरियर देखने में लगा। और यहाँ पे आपको सारे पावर विंडोज के कंट्रोल्स, और आपको यहाँ पे OVM के कंट्रोल्स देखने मिले, जो टिपिकल ह्यूंडई सेटअप आता है वैसा ही मिलेगा। और बोस्ट स्पीकर की बात करें तो आपको 8 speakers मिल देखने को मिलेंगे इस वेरियंट में, जो टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है, और जो नीचे वेरियंट है आपके वहाँ में थोड़ा सा कम होते जाएंगे। यहाँ पे 1 liter की बोतल है वो आप इजीली रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल बैठते हैं इसके गाड़ी के इंटीरियर में। इसके इंटीरियर्स की अगर बात करें तो आपको पूरा ड्यूल टोन कलर में आपको इंटीरियर दिखने वाला है। यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ी 10 इंच की आपको टच स्क्रीन देखने को मिलेगी, जो मतलब EX वेरिएंट है वहाँ पे आपको सिर्फ 8 इंच की टच स्क्रीन देखने को मिलेगी, बट उसमें भी आपको वायरलेस ऑटो और मतलब एंड्रॉयड ऑटो दोनों चीज़ें आपको मिलेगी। जो AC कंट्रोल है आपको ऑब्वियसली आपको 22 lakh में आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, लेकिन जो इसकी फिनिश है ना पूरी वो ग्लॉसी ब्लैक कलर में आती है, जो मतलब दिखने में काफ़ी अच्छा लगती है। और यहाँ पे आपको बात करें तो आपको सन ब्लाइडर ही मिल जाता है, आपको यहाँ पे कोई लाइट्स देखने को नहीं मिलेंगी, यहाँ पे मिरर देखने को मिलेगा। और इस MID की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा टॉकिंग पॉइंट है, देखिए अकॉर्डिंग टू योर ड्राइविंग मोड यहाँ पे पूरा एनिमेशन चेंज हो जाएगा। फिलहाल ये स्पोर्ट्स मोड में, तब इसे मैं करूँगा इको मोड पे, इको मोड में पूरा एनिमेशन जो आता है ना आपको देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पे दूसरे मोड में क्या है, स्पोर्ट्स मोड, कंफर्ट मोड में अगर मैं डालूँ तो कुछ इस तरह से आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा। और इस अंदर आप ट्रैक्शन कंट्रोल भी अलग अलग आप रिलेटेड टू स्नो मोड, मड मोड, ऐसे 3 मोड आते हैं आपको, ऐसे करके आप कंफर्ट मोड में भी डाल सकते हैं। MID में आपको कुछ ऐसे जो TPMS मिलेगा, आपको यहाँ पे डिस्टेंस टू एम्प्टी ट्रिप मीटर, ऐसे सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। और जो इसकी जो पूरी स्क्रीन है ना, कई कार में क्या होता है कि बीच में ही आपको स्क्रीन दी जाती है, दोनों साइड है आपको नॉर्मली टैकोमीटर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो पूरी स्क्रीन है ना वो
अच्छी तरह से आपको डिजिटली देखने को मिले, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो आपको पूरा लेदर है स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलेगा। जो इसके बेस वेरियंट है वहाँ पर भी आपको सेम टू सेम यही स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे MID है वो क्रेटा के जो टॉप वेरियंट में आती है वो वाली देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको ऑब्वियसली पेडल शिफ्टर देखने को मिलेगी, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड कंट्रोल और MID से रिलेटेड कंट्रोल देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपको टच स्क्रीन से रिलेटेड कंट्रोल देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपको वॉइस कंट्रोल भी देखने को मिलेगा। नीचे आपको पूरा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलेगा, जो मतलब कूल है। जो मतलब कई लोगों को दिक्कत आती है कि वायरलेस चार्जिंग में अपना फ़ोन गर्म हो जाता है, यहाँ पे होगा गर्म तो होगा, डेफिनेटली होगा, बट कम होगा दूसरी कार से मुकाबले। और यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट देखने मिलेगा, और यहाँ पे आपको USB पोर्ट, और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, और यहाँ पे आपको फुल ऑटोमेटिक गियर लीवर देखने मिलेगा। जो मतलब यहाँ पे देखिए आपको टेक्सचर दिख रहा होगा कि बहुत ही मतलब उतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, लेकिन पकड़ने में ग्रिप में काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे जो ड्राइव मोड्स और ट्रैक्शन के मोड है वहाँ पर यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक, यहाँ पे दो ड्राइवर साइड और पैसेंजर दोनों आपको वेंटिलेटेड सीट देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो ये चीज़ काफ़ी अच्छी करती है Hyundai कि अपनी गाड़ियों में ये स्वच्छता कैन देती है, और ऐसे कुछ आपको की जाती है जो सिमिलर टू वेन्यू में भी सेम ही ये की आती है, लॉक अनलॉक एंड होल्ड करके रखेंगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और क्लिक करोगे तो बंद भी हो जाएगी। और यहाँ पे आपको बूट लीवर का बटन भी दिया जाता है, और यहाँ पे ग्लव बॉक्स जो काफ़ी अच्छा है स्पेस वाइज और कूल ग्लव बॉक्स है। और यहाँ पे आपको देख रही होगी कि एम्बियंट लाइटिंग है, अगर आपको ये एम्बियंट लाइटिंग है जो गाड़ी के अंदर दी गई है Alcazar में, अगर आपको चेंज करनी हो इसकी ब्राइटनेस भी आपको चेंज करनी हो तो आप इजीली जस्ट सेटिंग में जाकर यहाँ पे व्हीकल इंफॉर्मेशन में यहाँ पे सीधा आपको लाइट्स में दिख रही होगा वहाँ पर आपको एम्बियंट लाइटिंग देखने को मिलेगी। या आप अपने अकॉर्डिंग ब्राइटनेस और कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो और कई सारी चीज़ें हैं जो सिमिलर टू क्रेटा देखने वाले हैं आप, बट जो एक और चीज़ है जो सिमिलर टू क्रेटा नहीं है वो है इसकी थर्ड रो, क्योंकि आपको वहाँ पे थर्ड रो के स्पेस देखने को मिलेगी जो काफ़ी अच्छी है। जो इसके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग IRVM देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको SOS और टोइंग का बटन भी, और यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का बटन दिए जाता, और ऐसा आपको पैनारोनिक सनरूफ देखने को मिलेगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 19 लाख के प्राइस रेंज में 7 सीटर और 6 सीटर के ऑप्शन में पैनारोनिक सनरूफ वाली गाड़ी सिर्फ और सिर्फ Alcazar मिलेगी, आपको दूसरी कोई कार आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखने का, क्योंकि जो इसके जो कॉम्पिटिशन्स है जैसे कि टाटा सफारी, महिंद्रा XUV, वहाँ पर आपको पैनारोनिक सनरूफ देती है लेकिन वो 22 लाख के प्लस ऊपर चली जाती है, और उसमें भी आपको जो बूट स्पेस है वो Alcazar में सबसे ज़्यादा आता है। इन दोनों में जो कंपटीशन में मैंने बात की वहाँ पर आपको बूट स्पेस इससे कम देखने को मिलेगा, जो इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है। और हाँ, इसके जो रिवर्स कैमरा की क्वालिटी है आपको दिखा दूँ, ऐसे आपको क्रिस्टल क्लियर आपको देखने को मिलेगी जो पूरे सेगमेंट में नहीं आती। इसके जो सेगमेंट की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि सफारी और XUV की आती है इसकी अच्छी क्वालिटी, बट उसकी जो कैमरा क्वालिटी वो टॉप वेरिएंट में अच्छी, जो बाकी के वेरिएंट है उतनी ही ज़्यादा अच्छी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन Alcazar में आपको बेस वेरिएंट से ही ऐसी क्लियरिटी देखने को मिलेगी। अब ये सीट है जो अपने हाइट के अकॉर्डिंग मैंने सेट कर दी है, अब पीछे देखते हैं कितना स्पेस रह जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको एयर प्योरीफायर दिया जाता है। इसके नीचे भी आपको स्पेस देखने को मिलेगा, ऐसे कुछ आपको स्पेस देखने को मिलेगा। आप बैठते हैं पीछे कितना स्पेस रह जाता है, ऐसे कुछ आपको पीछे का डोर देखने को मिलेगा, जो मतलब यहाँ पे सन ब्लाइंडर देखने को मिलेगा, जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर है। और यहाँ पे 1 लीटर की बोतल आप इजीली रख सकते हैं, और यहाँ पे आपको कुछ छोटा मोटा सामान भी रख सकते हैं। अब SH को आपको पीछे की सीट देखने को मिले, जो दो ही आपको हैंडरेस्ट दिए जाते हैं, और इस सीट को आप आगे पीछे और रिक्लाइन दोनों कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। अपने कम्फर्ट के अकॉर्डिंग आप सीट आगे पीछे कर सकते हैं।
अब बैठते हैं इसके पीछे, तो ऐसे आपको पीछे स्पेस देखने को मिलेगा जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे आपको जो हैंड रूम है वो इतना ज़्यादा मिल रहा है। अरे यहाँ पे आपको तीन लोगों के बैठने की बात करूँ तो मेरे हिसाब से मेरे जैसे अगर बंदे बैठे होंगे तो तीनों के तीनों इजीली आ जाएंगे, लेकिन मेरे से ज़्यादा हेल्दी होंगे तो शायद पीछे दो ही आए। और इसमें आपको कैप्टन सीट का भी ऑप्शन दिया जाता है जो काफ़ी अच्छी चीज़ है, और कैप्टन सीट की बात तो कुछ और ही हो जाती है। अरे ऐसे कुछ इस तरफ भी आपको सनग्लाइडर देखने को मिलेगा, बीच में आपको हैंडरेस्ट भी आता है। और अगर आपको पीछे के रूम में जाना हो तो आपको इस तरफ आप राइट साइड से नहीं जा सकते, आपको लेफ्ट साइड से एक्सेस करना होगा। वन टच कंबल सीट हो जाएगी आगे की, ऐसे से आपको पीछे एक्सेस करना होगा। और मतलब पीछे तो थर्ड रूम में तो वैसे भी कोई ऐसे बड़े एज के बैठने वाले नहीं, लेकिन एंट्री और एग्जिट में थोड़ी सी दिक्कत तो आपको आएगी, जो मतलब नॉर्मली इस प्राइस रेंज में सभी गाड़ियों में होता ही है। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सेस करने के लिए, जो मतलब आप तो थर्ड रो आने ही हो तो यहाँ पे आप पकड़ के आ सकते हैं। और यहाँ पे एसी वेंट दिए जाते हैं, और यहाँ पे आपको यूएसबी टाइप ए, और यहाँ पे आपको दो कप होल्डर दिए जाते हैं, जो मतलब कप होल्डर तो मतलब वैसे यही है, यहाँ पे आपको दूसरा कोई अपना सामान रखना वो रख सकते हैं। और इस सेम इस तरफ आपको एक कप होल्डर और छोटा सा स्पेस, स्पेशली यहाँ पर आप एयर का फ्लो है आप एडजस्ट कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर भी आपको यूएसबी टाइप ए देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे भी एसी वेंट है, जो मतलब गर्मियों में कई इंडिया में क्या होता है कि आपको एसी वेंट तो अच्छे होते लेकिन आगे की दो रो के लिए, अलकजर में आपको थर्ड रो में भी अच्छी खासी वेंटिलेशन देखने को मिले, जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। अब इस सीट को थोड़ी सी एडजस्ट कर लेते हैं, देखते हैं अब कितना स्पेस रह जाएगा। मतलब ये सीट जो है वो पूरी आगे, और ये सीट है जो थोड़ी सी पीछे कर रखी है मैंने। देखिए ऐसा कुछ आपको स्पेस देखने को मिलेगा, आगे मेरा टच पैर है वो पूरे के पूरे टच हो रहे हैं। यहाँ पर आपको पूरे का पूरा जो थाई सपोर्ट है वो आपको थाई सपोर्ट मतलब ना के बराबर ही समझे। और ऊपर के स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो इतना ही स्पेस रह जाएगा अगर मेरा जैसा बंदा बैठेगा तो। बट मतलब अगर छोटे बच्चे होंगे 10 साल या 15 12 13 साल के तो वो इजीली बैठ जाएंगे, लेकिन फिर भी कई लोगों को ऐसा जो थर्ड रो की नीड नहीं होती, बट वो फिर भी एक मतलब कहे ना कि गाड़ी में अगर 7 सीट हो तो होने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्यूल टैंक की अगर हम बात करें तो आपको 50 लीटर्स का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। सो बात करते हैं इसके वर्डिक की कि आपको हिंदी एल्काज़र लेनी चाहिए या नहीं। तो मतलब इस प्राइस रेंज में अगर 6 सीटर के साथ आपको कैप्टन सीट देने वाले अगर कोई गाड़ी है तो वो है हिंदी एल्काज़र। और इसके जो बेस वेरिएंट है 19 लाख वाला जो फिलहाल ही अपग्रेड किया गया है प्रेस्टीज ईएक्स वर्जन, वो तो बाय वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। अगर आपको इस प्राइस रेंज में पैनोरामिक सनरूफ चाहिए वो भी 7 सीटर और 6 सीटर के ऑप्शन में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एल्काज़र आपको आएगी, उससे अलग कोई कार आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो एक्सयूवी 700 और टाटा सफारी आती है, लेकिन इस प्राइस में आपको पैनोरामिक सनरूफ और इतने सारे फीचर्स के साथ आपको कोई सी भी गाड़ी नहीं आएगी। और इसके जो डीजल वेरिएंट है, कई लोग कहते हैं कि अंडर पावर्ड है, बट अंडर पावर्ड उतनी ज़्यादा आप नहीं कर सकते, जो मतलब जो रियल लाइफ में जो ओनर्स है उनको तो उतना ज़्यादा अंडर पावर है, ऐसी चीज़ें नहीं लगती। हाँ एंथुसियास्ट कार होंगे उनको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि अंडर पावर्ड है, लेकिन उसका अंडर पावर होने का भी एक रीज़न है बहुत बड़ा, उसकी एवरेज बाइक बहुत ही अच्छी आती है, 19 की आपको अराउंड एवरेज देखने को मिली, जो इस कार के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।